हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे स्टडी न्यूज़ चैनल पे। तो आज हम फिर से एक बेहतरीन ऐतिहासिक संरचना के बारे में जानेंगे, जिसका नाम है शनिवार वाड़ा। आप सभी ने ये नाम तो सुना ही होगा, तो आज इस किले के बारे में चलिए जानते हैं। शनिवार वाड़ा किला महाराष्ट्र के पुणे शहर में है, जो एक काफ़ी बड़ा और सुंदर किला है। इस किले को बनवाने की शुरुआत बाजीराव प्रथम ने की थी। अब थोड़ा बाजीराव प्रथम के बारे में जानते हैं। इनका पूरा नाम श्रीमंत पेशवा बाजीराव बल्लार भट्ट है। मैं आप लोगों के लिए इन पर एक अलग से वीडियो बना दूंगी। बाजीराव प्रथम एक महान मराठा सेनानायक थे और मराठा साम्राज्य के चौथे छत्रपति साहूजी महाराज के पेशवा, यानी मराठा साम्राज्य में प्रधानमंत्री को पेशवा कहा जाता था, ये वो थे। इनका जन्म चित्पावन कुल के ब्राह्मण परिवार में हुआ था। इनको बाजीराव बल्लार और थोरले बाजीराव के नाम से भी जाना जाता है और लोग इन्हें अपराजित हिंदू सेनानी सम्राट भी कहते हैं। इन्होंने अपने साम्राज्य का काफ़ी विस्तार किया था, जिस कारण इन्हें सभी नौ महान पेशवाओं में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है और इन्होंने ही शनिवार वाड़ा को बनवाने की शुरुआत की थी। इस किले का नाम शनिवार वाड़ा इसलिए पड़ा क्योंकि इसके बनवाने की शुरुआत शनिवार के दिन 10 जनवरी 1730 में हुई थी। ये किला अपने ऐतिहासिकता व भव्यता के लिए काफ़ी फेमस है और इसे भारत के टॉप मोस्ट हॉन्टेड प्लेस में शामिल किया गया है। इस किले को हॉन्टेड की लिस्ट में शामिल करने के पीछे एक कहानी है, जो मैं आपको आगे बताऊंगी। इस किले में एक साथ 1000 से भी ज़्यादा लोग रह सकते थे और इसमें कुल 5 बड़े बड़े दरवाजे हैं। पहले दरवाजे को दिल्ली दरवाज़ा, दूसरे को मस्तानी दरवाज़ा, तीसरे को खिड़की दरवाज़ा, चौथे को नारायण और पांचवें को गणेश दरवाज़ा कहते हैं। शनिवार वाड़ा असल में मराठा साम्राज्य के पेशवा की 7 मंजिला महल है। कहा जाता है कि उस समय यह इतिहास की सबसे कलात्मक और आकर्षक संरचनाओं में शामिल थी। इस किले के निर्माण में पहले पत्थरों और लकड़ियों का उपयोग करके बनाया गया था और इसे बनाने का काम राजस्थान के ठेकेदारों ने किया था, जिन्हें काम पूरा होने के बाद नाइक की उपाधि से सराहा गया था। इस किले में टीक की लकड़ी का प्रयोग किया गया था, जो जुन्नार के जंगलों से लाई गई थी, और पत्थर चिंचवाड़ के खदानों से लाए गए थे और चूना जेजूरी की खदानों से आए थे। 1818 तक यह किला पेशवाओं के अधिकार में रहा, लेकिन 1828 में इसमें आग लग गई और महल का सबसे बड़ा हिस्सा आग में जल गया। वो आग कैसे लगी, इस बात का पता नहीं चल पाया। लोगों का मानना है कि महल में राजनीतिक उथल पुथल का दौर चल रहा था। इसी राजनीतिक दावपेच और सत्ता के लालच की वजह से 27 फरवरी 1828 को ये आग लगी थी, जिसमें 18 साल के नारायण राव की हत्या इस महल में कर दी गई। ये आग इतनी भयानक थी कि आग को पूरी तरह बुझाने में लगभग 7 दिन लग गए थे। इस आग से परिसर में बनी इमारतें जलकर नष्ट हो गईं। अब इनके केवल अवशेष ही बचे हैं। नारायण राव मराठा साम्राज्य के 5वें पेशवा थे, जो मात्र 16 साल की उम्र में पेशवा बने थे। इनकी हत्या 18 साल की उम्र में राजनीतिक षड्यंत्र के कारण कर दी गई। स्थानीय लोगों का मानना है कि इस महल में अब भी अमावस्या की रात एक दर्दनाक आवाज़ सुनाई देती है, जो बचाओ बचाओ पुकारती है। लोग कहते हैं कि ये आवाज़ पेशवा नारायण राव की है, जो अपने चाचा राघोबा को पुकारते हैं, जो आज भी सुनाई देती है। इन्हीं कारणों से इस महल को मोस्ट हॉन्टेड महल भी कहते हैं। शनिवार वाड़ा में पेशवाओं ने कई सुंदर आकृतियां भी बनवाई थी, जिनमें से कुछ आज भी हैं, जैसे वाटर फाउंटेन, जलाशय, अच्छी अच्छी नकाशियां, बगीचे हैं। इस किले पर ब्रिटिश सेना ने भी आक्रमण किया था, जिससे महल को काफ़ी हानि पहुंची थी। वर्तमान में शनिवार वाड़ा का मुख्य बाहरी भाग और थोड़े बहुत सुंदर नकाशियाँ हैं और कुछ बगीचे भी बचे हैं, जिन्हें आज भी हम देख सकते हैं। इस किले को लोग आज त्योहारों और उत्सव के दिन दियों से सजाते हैं। तो ये थी शनिवार वाड़ा की दिलचस्प कहानी। आई होप आप सभी को
ये वीडियो अच्छा लगा होगा, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट।